और बन गोभी के बारे में हमने आपसे डिस्कस थोड़ी सी की थी, लेकिन शो के दौरान इंशाल्लाह बात भी होती रहेगी। जो लोग डाइट करना चाहते हैं और अपने खाने में भूख को, ज़ाहिर बात है, ख़त्म नहीं करना होता है, अगर भूखा रहेंगे आप तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, स्किन ख़राब हो जाएगी, कम उम्री में बुढ़ापा जो है चेहरे पे आ जाएगा आपके। तो भूखा नहीं रहना है, खाना पीना लाजमी रखना है, पेट खाली रहेगा तो आपको अल्सर या मेदे की ख़राबी या तेजाबियत ये भी हो सकती है, ठीक है। इसके खाली रखना नहीं है, आपने कुछ ना कुछ खाते रहना है। उसमें एक बेहतर चीज़ जो है वो है बन गोभी। बन गोभी को आप सूप बनाकर उसमें डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तरह के चिकन के साथ मिलाकर इसका स्टर फ्राइड बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुकिंग इसकी नहीं करनी है, इसको लाइट पकाना है ताकि इसके अंदर जो एनर्जी है वो आपके अंदर मुंतकिल हो सके और आपका वज़न जो है वो इसके वजह से तेज़ी के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरा ये कि मैदे को बेहतर रखता है, मैदे में जो है जल्दी हज़म हो जाता है। दूसरा ये कि आपके जो अगर कब्ज़ वग़ैरह है वो भी ख़त्म हो जाता है इससे, और मैदे को साफ़ कर देता है। जब मैदा साफ़ होगा तो फिर आपकी जो है ना एनर्जी भी बहाल होगी और आप जल्दी आपका वेट लूज़ होगा, ठीक है जी।